हेलो एवरीवन, आप जो ये ड्रेस देख रहे हैं ये मेरी खुद की डिजाइनिंग की हुई ड्रेस है। दिस कॉल्ड डिजाइनर काफ्तान विच इज टोटली हैंडमेड वर्क। तो आज मैं आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 मीटर का फैब्रिक लिया है इटालियन जॉर्जेट, जिसकी वेट 60 इंचेस है और इसको मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया है। फिर इसकी अगेन हम 4 फोल्ड करेंगे। देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे 4 फोल्डिंग करके फैब्रिक को रख लिया है, जिसकी बंद वाली साइड मैंने अपनी साइड रखी है और ओपन वाली साइड दूसरी साइड रखी हुई है। अब ऊपर से हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे जैसे हम सूट में करते हैं। 6.5 इंचेस में मैंने शोल्डर की मार्किंग की है। फिर जो बाकी का फैब्रिक बच रहा है उसको हम स्लीव में ऐड कर लेंगे। यहाँ पर जितना ही मेरे पास फैब्रिक बचा था शोल्डर के निकालने के बाद, उतना ही मैंने स्लीव में ऐड किया है। अगर आपके पास ज़्यादा फैब्रिक बच रहा है तो आप उसको ज़्यादा ऐड कर सकते हैं स्लीव में। अब हम स्लीव की मेजरमेंट देखेंगे। यहाँ पर मैंने 12 इंचेस स्लीव की फिटिंग देखी है। मैं लूज़ में देख रही हूँ क्योंकि मुझे लूज़ में ही स्लीव को रखना है, तो मैं 6.5 इंच पे मार्किंग करूँगी। 1/2 इंच जो एक्स्ट्रा रखा हुआ है मैंने, वो हमारा मार्जिन है। अब जो हमने स्लीव की मार्किंग की है वहाँ से हमने कर्व शेप देते हुए नीचे स्ट्रेट लेके जाना है। हमने जो मैंने बॉटम की विड्थ रखी है वो मैंने अपने अकॉर्डिंगली काफ़ी लूज़ रखी है, आप भी अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी हिप 36 इंच है तो उस पर आप 10 इंच प्लस करेंगे, 46 इंच पर आप मार्किंग कर सकते हैं। अब जो हमने बॉटम की विड्थ की मार्किंग की है वहाँ से हमने हिप लाइन तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये जो मैं मार्किंग कर रही हूँ गाइस, ये हमारी हिप की लाइन की मार्किंग की है मैंने। अब यहाँ से हम कर्व शेप देते हुए ऊपर तक मिला देंगे इसे। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। देखिए गाइस, कटिंग होने के बाद अब हम स्लीव पर राउंड शेप देंगे। पहले मैं यहाँ पे 2 इंच की मार्किंग करूँगी, फिर इसको कर्व शेप देंगे और इस पर कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पर मेरी ड्रेस की कटिंग हो चुकी है। कर्व शेप से लेकर शोल्डर तक की हम सिलाई लगाएंगे और साइड में सिलाई लगानी है। जो हमने स्लीव को कर्व शेप दिया ये ओपन रहेगा हमारा। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले मैं इसका नेक बनाऊंगी, इसके लिए हम इसकी सेंटर की मार्किंग करेंगे। सबसे पहले वी शेप की हम कटिंग कर लेंगे नेक की, फ्रंट नेक की, और इसके सेंटर पर मार्किंग करके हम इसे जैसे हम सूट का नेक बनाते हैं उसी तरह हमने इसका भी नेक बना लेना है। फ्रंट का नेक बनाने के बाद अब मैं बैक नेक बनाऊंगी। जितना आपको बैक का नेक चाहिए आप उसी हिसाब से कटिंग कर सकते हैं इसकी। मुझे शॉर्ट चाहिए था इसीलिए मैंने इसकी 1 इंच की ही कटिंग की है। अब मैं इसको 22 पट्टी के साथ इसे फोल्ड करके सिलाई लगा लूँगी। देखिए गाइस, यहाँ पे बैक नेक भी बन चुका है। अब हम फ्रंट और बैक के नेक को आपस में जॉइन करेंगे।
ये जो मार्किंग कर रही हूँ मैं, बस यहीं तक की मैं स्टिचिंग करूँगी। ये जो स्लीव का कर्व एरिया है यहाँ पर मैं सिलाई नहीं करूँगी, ये हमारी ओपन रहेगी, बाकी हम साइड से इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखिए गाइस, मैंने एक साइड से सिलाई लगा ली है, अब दूसरी साइड से भी हम इसी तरह सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए दोनों साइड से सिलाई लग चुकी है। अब जो ये स्लीव का ओपन वाला एरिया है यहाँ पर हम स्लीव को फोल्ड करेंगे, फिनिशिंग देंगे हम इसकी। ये देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है और ये देखिए इस तरीके से इसकी फिनिशिंग दी है मैंने, और दूसरी साइड से भी इसी तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। इतना रेडी हो जाने के बाद अब हम इसकी साइड की सिलाई लगाएंगे। उसके लिए हमने पहले इसकी स्लिट जो ओपन रखनी है उसकी हम मार्किंग करेंगे। 13 इंच पर मैं मार्किंग करूंगी इसकी साइड स्लिट, मैंने 13 इंच की ओपन रखी है, आप अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं इसे। अब जो ये साइड की मार्किंग कर रही हूँ इस पर मैं सिलाई लगाऊंगी। दूसरी साइड से भी हम इसी तरीके से मार्किंग कर लेंगे। अब जो हमने मार्किंग किया उस पर हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद इसकी जो हमने साइड स्लिट ओपन रखी है उसको हम फिनिशिंग करेंगे, मीन्स की फोल्डिंग करके इसकी फिनिशिंग करेंगे। देखिए हमारा ये बन सिलाई होकर रेडी हो चुका है, अब हम इस पर मार्किंग करेंगे एम्ब्रॉयडरी करने के लिए। देखिए गाइज, मैंने यहाँ पे मार्किंग कर लिया है। इसकी जो सेंटर में मार्किंग का डिफरेंस है वो है 9 इंच, और जो साइड साइड के पैनल्स की मार्किंग की डिफरेंस है वो है 4.5 इंच। अब हम इस पर एम्ब्रॉयडरी करेंगे। देखिए गाइज, यहाँ पे मैंने एक लाइन एम्ब्रॉयडरी कर ली है। ये एम्ब्रॉयडरी कैसे की है मैंने, आपको मैं ये एम्ब्रॉयडरी भी कर दिखाऊंगी। सबसे पहले इसको फ्रेम में फैब्रिक को लगा लेंगे।
मैंने जिसमें मटेरियल का यूज़ किया है वो है सॉफ्टनी स्टोन, स्मॉल साइज़ के पर्ल्स और दबका। अब इसको स्मॉल स्मॉल साइज़ में कट कर लेंगे। अब इसकी एम्ब्रॉयडरी करेंगे हम। ये देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने सारे एम्ब्रॉयडरी कर लिया। अब हम इसके अब नेक पर एम्ब्रॉयडरी करेंगे। नेक पर मैं सिर्फ स्टोन वर्क ही करूँगी। इसको पहले हम ग्लू से पेस्ट करेंगे। ये सारे स्टोन्स को मैंने ग्लू के साथ लगा लिया है। जब ये सूख जाएंगे उसके बाद इसको मैंने निडल से पक्का भी कर लेना है। बाद फाइनली गाइस, यहाँ पे मेरी एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट हुई। लिटरली गाइस, मुझे ये एम्ब्रॉयडरी करने में काफ़ी टाइम लगा है। अब हम इसके वेस्ट लाइन पर प्लेट्स बनाएंगे सेंटर में फॉर डिज़ाइनिंग पर्पस, जिसके लिए पहले मैंने शोल्डर से लेकर वेस्ट लाइन 14 इंच की मार्किंग की है बोथ साइड से। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम इस पर प्लीट्स बनाएंगे।
अभी देखिए यहाँ पर मैंने फोर प्लीट्स को सेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ पर्ल नीडल एंड इसके सेंटर में हमने सिलाई चला लेनी है। इसकी बैक साइड पर भी हम इसी तरीके से सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। एंड द फाइनल लुक ऑफ माई आउटफिट इज हियर। कमेंट मी हाउ यू लाइक इट। डू लाइक एंड सब्सक्राइब।